दोस्तों YouTube पर काफ़ी सारे क्रिएटर हैं, YouTube पर वीडियोस क्रिएट करते हैं, काफ़ी सारे टेक यूट्यूबर, काफ़ी सारे मतलब ब्लॉगिंग, कॉमेडी, बहुत तरह तरह के YouTube पर कैटेगरी होती है। और काफ़ी सारे लोग आपको YouTube पर ही बताते हैं YouTube की पॉलिसी कि लास्ट 365 दिन में अगर आप चैनल अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो लास्ट 365 दिन में 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम ज़रूरी होता है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक ऐसी यूनिक जानकारी बताने वाला हूँ जो कि मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसको समझ नहीं पाते हैं मतलब नहीं कैसा मतलब फैला के रखे हैं। यूट्यूब में साफ साफ वहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको नहीं बताते हैं, अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो यह मोनेटाइजेशन से ही रिलेटेड एक बहुत बड़ा मतलब एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो कि उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको समझते नहीं, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, और जैसे मतलब जैसा सभी लोग बता रहे हैं वैसे ही सभी लोग मतलब पिछले कई मतलब सालों से कह सकते हैं बताते चले आ रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरा वहाँ पर आपको ऐसा हवा हवाई बात नहीं करने वाला हूँ, पूरा वहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी में चल के आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से वहाँ पर हमको प्राइवेसी पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है और क्या हमको यूट्यूबर काफ़ी सारे यूट्यूबर हमको बताते हैं। हालांकि इसको मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिलहाल अभी यूट्यूब ने अपना जो एक तरह से यूट्यूब स्टूडियो में छोटा सा अपडेट लाया था, उस अपडेट को हमने मतलब चेक किया, देन वहाँ पर लर्न मोर पर क्लिक करके उसको हमने देखा तो यूट्यूब की जो पॉलिसी है वहाँ पर कुछ और ही लिखा था, जो कि काफ़ी सारे लोग उसको इग्नोर कर दे रहे हैं या फिर पता नहीं क्या कारण है काफ़ी सारे लोग उसको बता नहीं रहे हैं। तो इस पर चले चलते हैं अपने वर्ल्ड स्क्रीन पर, देना आपको उस प्राइवेसी पॉलिसी को दिखाते हैं, अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी को हम दिखाते हैं कि वो पॉलिसी क्या है जो कि मतलब काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, और वही पुराना घिसा पिटा 365 दिन में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम वही बस बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वर्ल्ड स्क्रीन पर, देना आपको लाइव प्रूफ पूरा दिखाते हैं, कोई ऐसा हवा है भाई बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमको चले जाना है यहाँ पर लर्न अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस, सिंपली हमको इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यूट्यूब के हम मतलब सॉरी किसी ब्राउजर पर हम आ जाएंगे यहाँ पर, देन यहाँ पर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ओवरव्यू एंड एलिजिबिलिटी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमको यहाँ पर वगैरह वगैरह देखने को मिल जाएगा क्या कैसी क्राइटेरिया है। देन यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू ज्वाइन, हमको फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, मतलब इसमें पहला नंबर को देख पा रहे होंगे फॉलो ऑल ऑफ द यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, हमको सिंपली इसमें बताया गया है क्या कैसी पॉलिसी वगैरह है उसको हमको फॉलो करना है, उसके जैसे वीडियोस बनाना है, देन इसके बाद ही आप चैनल को मतलब पैसे कमा पाएंगे चैनल से। सेकंड को भी हम मतलब कोई बहुत खास नहीं है, सेकंड नंबर को आप जाने दीजिए, और साथ ही यहाँ पर थर्ड नंबर में जो एक्टिव मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक कोई नहीं होनी चाहिए, ये भी सभी को समझ में आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चौथा नंबर है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अच्छे से ध्यान देने वाली बात अभी है, यहाँ पर चौथा नंबर आप यहाँ पर मार्किंग वगैरह कर देते हैं चौथे नंबर वाले को, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है चौथे नंबर वाले ऑप्शन मेन ज़रूरी बात यही चौथा और पाँचवा ऑप्शन है, यहाँ पर हमको साफ यहाँ पर इसको हम मार्किंग कर देते हैं चौथा नंबर वाले ऑप्शन को। यहाँ पर अब साफ लिखा हुआ हैव मोर देन 4000 वैलिड पब्लिक वॉचर्स इन द लास्ट 12 मंथ, यानी कि लास्ट 12 महीने में हमको 4000 घंटे का वैलिड पब्लिक वॉचर्स चाहिए। वैलिड इसलिए लिखा गया कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब एक तरह स्टिक वगैरह अप्लाई करते हैं तो काउंट नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर वैलिड लिखा गया है। वैलिड का मतलब यही है आप तो कई सारे ट्रिक वगैरह अप्लाई करके करते हैं भी मोनेटाइज हो जाता है, वो काउंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर 4000 घंटे का वॉच टाइम इसमें आपको 12 महीने में कंप्लीट करना है 4000 घंटे, लेकिन यहाँ पर जो पाँचवा ऑप्शन है तो यहाँ पर कोई ऐसा मतलब हमको मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कोई कुछ भी मेंशन नहीं हैव मोर देन मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स, यहाँ पर कोई भी हमको ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि लास्ट 365 दिन में लास्ट 12 मंथ में कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि यहाँ पर लास्ट 12 महीने में हमको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ही। इसका मैं एक प्रूफ भी देने वाला हूँ आपके सामने कि मतलब इसमें ऐसा मतलब कुछ भी नहीं बताया गया है कि लास्ट 12 महीने में हमको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ही, अगर होता तो हमको ज़रूर यहाँ पर मेंशन किया होता लास्ट, जैसे चौथे ऑप्शन में हमको इन द लास्ट 12 मंथ हमको दिया गया है तो इसमें भी लिखा होता अगर ऐसा कोई मतलब पॉलिसी वगैरह होती। तो इस ऑप्शन का कहने का मतलब यही है कि केवल आपको लास्ट 365 दिन में 4000 घंटे का वॉच टाइम ही ज़रूरी है, जो 1000 सब्सक्राइबर है उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको लास्ट 365 दिन में ही कंप्लीट करें, इसको हम 365 दिन 66 दिन या 2 साल में भी कंप्लीट करेंगे फिर भी यह वैलिड रहेगा। हमारे पास एक यूट्यूब चैनल अभी पड़ा हुआ है, फिलहाल मैं उस यूट्यूब चैनल में चलकर मैं आपको दिखा देता हूँ
उसमें हमारे जो लास्ट 365 दिन में सब्सक्राइबर थे वह मतलब उतने कंप्लीट नहीं हुए थे, मतलब उससे कम हुए थे, फिर भी वह हमको राइट टिक है, यानी कि जो हमारा है वे मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स, यह वाला जो क्राइटेरिया है ये उसमें मतलब एक तरह से टिक है। और जो ये ऑप्शन लिखा है कि मतलब 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए, इस ऑप्शन का केवल मतलब यही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट 12 महीने में होना चाहिए, 13 महीने में, या फिर लास्ट 365 दिन में होना चाहिए। तो यानी कहना चाहिए कि चाहे आपका चैनल 2020 में क्रिएट किए हों और लास्ट 2024-25 तक भी उसमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, तो फिर भी वो सभी सब्सक्राइबर काउंट होंगे 2020 से लेकर 24 तक के। इसमें कोई भी ऐसा मतलब एक तरह से टाइम मेंशन नहीं है, केवल इसमें यह लागू होता है 4000 घंटे में। 4000 घंटे मतलब आपको लास्ट 12 महीने में कंप्लीट करना है, और जो सब्सक्राइबर है सब्सक्राइबर के लिए कोई भी टाइम मैटर नहीं करता है, इसमें कुछ मेंशन भी नहीं हुआ है। और काफ़ी सारे लोग मतलब एक तरह से उन दोनों को जोड़ तमोड़ के बता देते हैं। हमारे पास अभी दूसरा फ़ोन है, मैं उसमें आपको चल के दिखा देता हूँ कि लास्ट 365 दिन में हमको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं, फिर भी वो है राइट टिक हमको शो कर रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अगले मतलब एविडेंस की ओर, तो उसको हम दिखाते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। फिलहाल आ चुके हैं अपने हम दूसरे मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर अब मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि लास्ट 365 दिन में हमको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी फिलहाल इसमें अब आपको 1858 सब्सक्राइबर शो कर रहे हैं, लेकिन जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसा बताते हैं कि लास्ट 365 दिन में 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिसी ये है कि लास्ट 365 दिन में 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, लेकिन जो आपके चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि लास्ट 365 दिन में ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हों। तो केवल आपको 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर होंगे तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 365 दिन में हुए हैं या फिर 3 साल में, 3 साल में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको पहले मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में चल के आपको दिखा देता हूँ। देन यहाँ पर हम आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर राइट टिक है, 1858 सब्सक्राइबर हैं। हालांकि काफ़ी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 1858 है तो ज़रूरी 1000 सब्सक्राइबर वाला क्राइटेरिया कंप्लीट है, लेकिन लास्ट 365 दिन में हमको 1000 सब्सक्राइबर गेन नहीं हुए हैं। मैं एनालिटिक्स वाले सेक्शन में चल के आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर व्यूज सब्सक्राइबर, यहाँ पर हम सब्सक्राइबर वाले सेक्शन में चलते हैं। अभी लास्ट 28 दिन में कितना गेन हुआ है आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको लास्ट 365 दिन में सब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर उसका एनालिटिक्स देखने को मिल जाएगा। हालांकि यह लोड क्यों नहीं हो रहा है साला, लोड तो हो जाना चाहिए, नेटवर्क इशू है इसलिए लगता है नहीं हो रहा है साला। हाँ हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमको टाइमिंग देखने को मिला। लास्ट 365 दिन में हमको केवल 918 सब्सक्राइबर देखने को मिले हैं और फिर भी हमको यहाँ पर राइट टिक्स हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है यह नहीं है कि लास्ट 365 दिन में हमको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, केवल यह वॉच टाइम के लिए लागू होती है, सब्सक्राइबर के लिए लागू नहीं होती है। मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, यहाँ पर हमको राइट टिक हो रहा है 1858 सब्सक्राइबर में, लेकिन लास्ट 365 दिन में हमको इतने सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये हमारा बहुत पुराना चैनल है, लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, इसको हमने 2018 वगैरह में क्रिएट किया था। तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है सब्सक्राइबर के लिए, केवल यह बस टाइम पर लागू होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साफ साफ लास्ट 365 दिन में केवल हमने 918 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, फिर भी यहाँ पर हमको राइट टिक शो कर रहा है। इट मींस मतलब हमारे जो 1000 से सब्सक्राइबर हमारे 1000 से ज़्यादा हैं, इसलिए हमको यहाँ पर राइट टिक कर रहा है। यह कोई ऐसा इसमें टाइमिंग वगैरह नहीं है, चाहे हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो उससे चाहे हमको बढ़े या फिर ना बढ़े, यह केवल बास टाइम पर लागू होता है। इसीलिए बास टाइम हमेशा माइनस प्लस होता रहता है कभी कभी, और हमारा जो सब्सक्राइबर हैं कभी भी माइनस प्लस ऐसे नहीं होते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बता दिया यूट्यूब के मोनेटाइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, यह कह सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को पता भी थी, काफ़ी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते थे, वही बहाव में चले जाते थे, जो सभी कहते वही सभी मतलब कहते थे वही सब लोग कहते करते चले आ रहे थे। लेकिन मैंने आपको रियलिटी क्या है, यूट्यूब की पॉलिसी मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा दिया हूँ। अगर ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ और अधिक पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या ही कहें, कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो बताया कोई इन्फॉर्मेशन वास्तव में राइट है या फिर रॉन्ग भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा राइट हूँ, लेकिन हमने आपको जो पॉलिसी में था वही आपको पॉलिसी में दिखाया। पॉलिसी में कहीं पर भी मेंशन नहीं था सब्सक्राइबर के लिए, वॉच टाइम के लिए तो मेंशन था लेकिन सब्सक्राइबर वाले सेक्शन में मेंशन नहीं था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।